जनपद शामली की तहसील उन क्षेत्र के गांव भोगी माजरा में वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित अजब सिंह कोरी द्वारा सामूहिक रूप से वीरांगना झलकारी बाई और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की छवि पर दीप प्रज्वलित और माला अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजब सिंह कोरी और संचालन प्रमोद कुमार कोरी ने किया, जिसके बाद औरैया से पधारे मुकेश कुमार कोरी ने वीरांगना झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि झलकारी बाई जी रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। जी नाम आपका भाई साहब? मेरा नाम पारस कोरी है और मैं भारतीय समाज रक्षक युवा मोर्चा से बात कर रहा हूं। जी अच्छा, ये जो मैं एक प्रोग्राम आपके द्वारा यहाँ पे जो किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने समाज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। और हमारे समाज की वीरांगना थी माँ झलकारी बाई कोरी जी, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के चक्कर में अपने प्राणों का त्याग दिया। वो केवल एक महिला को बचाने के लिए नहीं, अपितु एक राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो मैं समाज से केवल इतना आग्रह करता हूँ कि उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में सही। अच्छा, एक यहाँ पे क्षेत्र में एक समस्या बनी हुई है कोरी के प्रमाण पत्रों को लेकर के, ये यहाँ पे तहसील प्रशासन द्वारा अभी जानकारी में आया कि आपके समाज के जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे, तो इस संबंध में क्या क्या योजना आपकी है? देखिए, पिछले लगभग जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई है, क्योंकि पिछली समाजवादी सरकार थी, 4 साल धड़ल्ले से प्रमाण पत्र जारी हुए हमारे, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई है तब से जब भी चुनाव आते हैं चुनाव के समय प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं प्रमाण पत्र हमारे बंद हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ का प्रशासन शासन से ऊपर है, इसमें तहसीलदार हो, डीएम हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री या जो सचिव हैं उनके सेक्रेटरी, उनसे भी ऊपर है, क्योंकि बार बार शासन आदेश आने के बावजूद भी जिस प्रकार प्रशासन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कमी है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन